जीवन में आप लोगों को ऐसे अनुभव से गुजरना पड़ा है, इतनी छोटी आयु में, वो भी दूर अकेले, मैं कल्पना कर सकता हूं कि किस प्रकार की मानसिक परिस्थिति से आपको गुजरना पड़ा होगा। कठिनाइयों के बीच भी हम ठीक से अभी इवैक्यूएशन कर पा रहे हैं। हम लोग तो उम्मीद भी छोड़ दिए थे कि वापस इंडिया जा पाएंगे, क्योंकि 2 मार्च की हम लोग की फ्लाइट थी जो कि कैंसिल हो गई थी। जब इंडियन एम्बेसी और गवर्नमेंट वर्क किए तो हम लोग को एक नया उम्मीद मिला कि वापस इंडिया जा पाएंगे। ऑल थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट। आई डोंट थिंक कि विदाउट इंडियन गवर्नमेंट हेल्प हम इंडिया वापस सेफली आ पाए। हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सुविधाएं दी, हमारे लिए फ्लाइट्स अवेलेबल थे, हमें एयरपोर्ट जाने का एकदम आराम से सुविधाएं मिली, खाने पीने कोई दिक्कत नहीं हुआ। हाँ, बहुत अच्छे से हमारे बाकी सारे स्टूडेंट जो फंसे हुए थे वो कल भी लैंड कर गए हैं, कुछ आज लैंड कर गए हैं। थैंक यू मोदी सर, हम लोगों ने बहुत बहुत आराम से हम वहाँ से निकल गए हैं। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद इंडियन एम्बेसी ने हमें बहुत ही सुरक्षित तरीके से हमारे कंट्री में पहुँचाया, तो मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यानी कि आपका बहुत ही धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आपने मुझे मेरे घर तक सुरक्षित पहुँचाया। और मुझे विश्वास है कि और भी जो बच्चे फंसे हैं आप उन्हें भी जल्द से जल्द उनके घर पहुँचा देंगे। सर, 24 तारीख को जब अटैक हुआ तो हमें लगा था कि हम यहाँ से अपने देश वापस नहीं जा पाएंगे, और सर 2 रात हम ऐसे गुजारे हैं जैसे लगा है कि हम मौत को कितने करीब से देख चुके हैं। बट सर, मुझे गर्व है कि मैं भारत देश का वासी हूँ, और गर्व है मुझे यहाँ के सरकार पे, शराब पे। और सर, सबसे ज़्यादा गर्व मुझे महसूस होता है अपने तिरंगे पर। जब हम इवैक्यूएशन से आ रहे तो हमें ऐसी नोटिस मिली थी कि आप अपने बस के आगे और खिड़कियों पर तिरंगे को लगा दीजिए, ताकि जब रशियन आर्मी देखेगी तो आपके केवल तिरंगे से वो आपको टच भी नहीं करेगी। और इस तरह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं ऐसे महान देश में पैदा हुआ।